हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये वीडियो स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th क्लास में इंग्लिश कोर रखा हुआ है। तो यदि आप भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपका भी इंग्लिश कोर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फ्रेंड, इस वीडियो में हम 12th क्लास इंग्लिश कोर के सभी क्वेश्चन आंसर को जो है ईजी लैंग्वेज में देखेंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं वो है आपका गोइंग प्लेसेस, जो कि चैप्टर नंबर 8 का है। आप देख सकते हैं ये जो है फ्लैमिंगो बुक का है। फ्रेंड, ये जो है आपका फ्लैमिंगो बुक का जो है चैप्टर नंबर 8 है। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा कि आप सबसे पहले जो है क्या करें कि इस चैप्टर को यानी कि गोइंग प्लेसेस को जो है अच्छे तरीके से पढ़ लें, तभी आपको जो है क्वेश्चन आंसर जो है आपको समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। हु वर सोफी एंड झांसी, यानी कि सोफी और झांसी कौन थी। ओके, यदि आप चैप्टर को यदि अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये कौन है। तो बोथ सोफी एंड झांसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। यहां पे क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, बोथ का मतलब होता है दोनों। ओके, तो बोथ यानी कौन कौन, सोफी एंड झांसी वर क्लासमेट, वो क्लासमेट थी, वो एक साथ पढ़ती थी, एंड फ्रेंड्स भी थी, और फ्रेंड्स भी थी यानी कि उसका दोस्त भी थी। दे वर टीनेजर्स एंड बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली। यहां पे क्या बोला जा रहा है फ्रेंड कि दे वर टीनेजर्स, यानी कि दोनों सोफी और झांसी जो थी वो टीनेजर्स थी। टीनेजर किसे बोलते हैं फ्रेंड, जिनकी आयु 13 से 19 वर्ष की होती है। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स। ओके, तो बोथ वर टीनेजर्स एंड बिलोंग टू, बिलोंग टू का मतलब होता है से संबंध रखना, से संबंधित होना। ओके, बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, यानी कि वो दोनों जो है यानी सोफी और झांसी जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से जो है बिलोंग करती थी, मध्यम वर्गीय परिवार से जो है वो बिलोंग करती थी। ओके, ऑल्दो दे आर फ्रेंड्स येट दे हैड डिफरेंट व्यूज टू देयर लाइफ्स। यहां पे क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, ठीक है, दे आर फ्रेंड्स, वे लोग फ्रेंड्स थी, फिर भी, although और yet का मतलब होता है यद्यपि, फिर भी, तो भी। ओके, तो यद्यपि दे आर फ्रेंड्स, हालांकि वो लोग दोनों जो है फ्रेंड्स थी, फिर भी जो है दे हैड डिफरेंट व्यूज टू दियर लाइफ, फिर भी क्या होता है उन लोगों का जो है अलग अलग व्यू रहता है, अलग अलग विचार रहता है लाइफ के प्रति। यानी कि दोनों लोग जो है यानी कि सोफी और झांसी जो है वो दोनों को लाइफ को देखने का जो है अलग अलग नजरिया रहता है। ओके फ्रेंड, सोफी वाज अ ड्रीमी गर्ल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोफी जो थी वो एक ड्रीमी गर्ल थी। ड्रीमी गर्ल का मतलब होता है कि सपने देखने वाली लड़की। ओके, सोफी वाज अ ड्रीमी गर्ल वाइल का मतलब होता है जबकि, वाइल झांसी बिलीव्ड इन रियलिटी, जबकि झांसी जो थी उसकी फ्रेंड वो वास्तविकता में विश्वास करती थी, यानी कि रियलिटी में विश्वास करती थी। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमने बहुत सारे वर्ड के नीचे जो है अंडरलाइन कर दिया गया है, उसका हिंदी हमने यहाँ पे लिखा होगा, तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ से वर्ड मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिड सोफी रियली मीट डैनी कैजी। ठीक है, स्पेलिंग देखिए, हमने अलग अलग लिख दिया है, DANNYCASEY। ओके, बोल रहा है कि डिड सोफी रियली मीट डैनी कैजी, क्या सोफी जो है वो सचमुच में, रियली का मतलब होता है सचमुच में डैनी कैजी से मिली थी। देखिए क्या बोला रहा है, नो, ठीक है, यानी कि नहीं, नो सोफी डिड नॉट मीट डैनी कैजी, यानी कि सोफी जो है वो डैनी कैजी से नहीं मिली थी। एज वी नो दैट का मतलब होता है फ्रेंड कि जैसा कि हम जानते हैं कि सोफी वाज ए ड्रीमी गर्ल, जैसा कि हम जानते हैं कि सोफी जो है एक ड्रीमी गर्ल थी। सी किप्स ड्रीमिंग होल डे, ठीक है, मतलब वह जो है सारा दिन, होल डे का मतलब होता है सारा दिन, यानी कि वह जो है सारा दिन जो है वो सपने देखते रहती थी। किप्स ड्रीमिंग का मतलब होता है कि सपने देखते रहना, हमने लिख दिया यहाँ पे, किप्स ड्रीमिंग का मतलब होता है सपने देखते रहना। किप्स रनिंग का मतलब होता है दौड़ते रहना। कीप लाफिंग का मतलब होता है कि हंसते रहना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, सी किप्स ड्रीमिंग, यानी कि वो सपने देखते रहती थी, कौन, सोफी, ठीक है, होल डे, सारा दिन। फिर बोलता है फ्रेंड कि टू मीट डैनी कैजी, यानी कि डैनी कैजी से मिलना,
इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हर ड्रीम, यानी कि डैनी केजी से मिलना जो है वो भी जो है उसके एक ड्रीम का जो है वो पार्ट था। देखिए सोफी जो है वो बहुत सारे ड्रीम को देखती थी, तो यहाँ पे जो है डैनी केजी से मिलना भी जो है ठीक है वो भी उसके ड्रीम का एक ना पार्ट ही था। ओके, डैनी केजी वॉज अ फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर। अब देखिए यहाँ पे डैनी केजी कौन है, तो डैनी केजी जो है वो एक फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, यानी कि आयरलैंड से वो बिलोंग करता है। ओके, आयरिश फुटबॉल प्लेयर है। एंड सोफी वाज वेरी मच फैसिनेटेड टू दिस प्लेयर, और सोफी जो थी बहुत ही ज़्यादा जो है फैसिनेटेड थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षित थी, मतलब कि मंत्रमुग्ध थी उसके, मतलब आकर्षण उसके प्रति बहुत ज़्यादा था। ओके, सोफी वाज वेरी मच फैसिनेटेड टू दिस फुटबॉल प्लेयर, यानी टू दिस प्लेयर, यानी कि उस खिलाड़ी के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा वो आकर्षित थी। ओके, सी कंसिडर्स हिम एज हर हीरो, और वो क्या करती थी, यानी कि सोफी जो है वो कंसिडर करती थी, कंसिडर का मतलब होता है मानना या सोचना। ओके, तो सी कंसिडर्स हिम, वो उसे सोचती थी किसे, उस आयरिश फुटबॉल प्लेयर को एज हर हीरो, अपना हीरो मानती थी, यानी सोफी जो है डैनी केजी को क्या मानती थी, तो अपना हीरो मानती थी। दिस इज द रीजन, और यही कारण है कि हमने लिख दिया है यहाँ पे, दिस इज द रीजन, यही कारण है कि सी किप्स थिंकिंग ऑफ हर हीरो, और यही कारण है कि सी किप्स थिंकिंग। देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने बताया ना, किप्स थिंकिंग मतलब सोचते रहना। ओके, तो वह सोचते रहती थी ऑफ हर हीरो, अपने हीरो के बारे में, और वो हीरो कौन था, तो डैनी केजी था। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यदि आपको एक और क्वेश्चन पूछे कि हु वाज डैनी केजी, तो आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन कई तरह से ट्विस्ट किया जाता है फ्रेंड, आप अच्छे से ध्यान दें, आपको पता चलेगा कि आपने जो याद किया है उससे कई तरह का क्वेश्चन का आंसर जो है आप दे सकते हैं। ओके, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच वॉज द ओनली ओकेजन वैन सी गॉट टू सी डैनी केजी इन पर्सन। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो कौन सा ओकेजन है, मतलब कौन सा अवसर है, ओकेजन का मतलब होता है अवसर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच वॉज द ओनली ओकेजन, वो कौन सा ओकेजन है, वेन सी गॉट टू सी, यहाँ पे सी जो आया है वो सोफी के लिए आया हुआ है। ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज, यहाँ पे सी किसके लिए आया है, तो सोफी के लिए आया है। तो बोलता है कि वेन सी, यानी कि वेन सोफी जो है गॉट टू सी डैनी केजी इन पर्सन। देखिए यहाँ पे गेट टू सी का मतलब क्या होता है, गेट टू सी का मतलब होता है देखने का मौका मिलना। ओके, गेट टू सी का मतलब होता है देखने का मौका मिलना, तो यहाँ पे गॉट टू सी लिखा हुआ है, यानी कि देखने का मौका मिला, मतलब कि विच वॉज द ओनली ओकेजन, वो कौन सा ओकेजन था, कौन सा अवसर था जब सोफी को देखने का मौका मिला। ठीक है, जब सोफी को देखने का मौका मिला डैनी केजी को, यानी कि वो कौन सा ओकेजन था, ठीक है, जिसमें जो है ठीक है सोफी को मौका मिलता है, ठीक है, मौका मिला डैनी केजी को देखने के लिए इन पर्सन। इन पर्सन का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप में या व्यक्तिगत रूप से। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि अनलेस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस यू वांट टू बी एबल टू राइट योर आंसर। ओके, गॉट इट। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ओके, तो आइए चलते हैं इसके आंसर की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है, द ओनली ओकेजन। ओके, ओनली ओकेजन। ओके, वैन सोफी, यहां पे वैन लिख सकते हैं आप, द ओनली ओकेजन वैन सोफी गॉट टू सी डैनी केजी, मतलब कि केवल एक ओकेजन, ठीक है, जब सोफी को मौका मिला डैनी केजी से मिलने के लिए। ओके, इन पर्सन मतलब कि व्यक्तिगत रूप से, वैन सोफी, जब सोफी जो है एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक, डेरेक कौन है, तो इसका भाई है। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द ओनली ओकेजन, ठीक है, व्हेन सोफी गॉट टू सी डैनी केजी, मतलब वो सिर्फ अकेला ओकेजन था, मतलब कि केवल ओकेजन था जिसमें डैनी केजी, जिसमें सोफी को जो है वो मौका मिलता है डैनी केजी से मिलने के लिए। ठीक है, व्हेन, जब सोफी, हर फादर, उसके पापा एंड लिटिल डेरेक वेंट टू वॉच अ यूनाइटेड फुटबॉल मैच, जब ये सब तीनों, यानी कि सोफी, हर फादर एंड लिटिल डेरेक जो है वो कहाँ गए थे, तो एक यूनाइटेड फुटबॉल मैच देखने के लिए गए थे ऑन सैटरडे, यानी कि सैटरडे को। ओके, सोफी साव दैट हाउ, सोफी ने देखा कि, ओके, सोफी ने देखा कि हाउ, कैसे जो है
देयर टीम यानी कि यूनाइटेड जो उनकी टीम जो थी उन लोगों की, देयर टीम मतलब कि कौन, किसके टीम यानी कि इन लोगों की टीम जो है, ओके, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो देश, देयर टीम जो है यूनाइटेड वॉन द मैच। उन्होंने देखा कि कैसे जो है उसकी टीम जो है वो मतलब मैच को जीत गई। सी साव हर हीरो ऑल्सो, और उसने, सी मतलब कौन, सोफी ने क्या देखा, अपने हीरो को भी देखी। ओके, सी साव हर हीरो ऑल्सो, उसने अपने हीरो को भी देखी, ठीक है, डेनी केजी को, प्लेइंग द मैच यानी कि उसने, सोफी ने डेनी केजी को भी देखी प्लेइंग द मैच यानी कि मैच को खेलते हुए। ओके, व्हेन सोफी साव डेनी केजी, अब बोलता है कि व्हेन सोफी साव डेनी केजी, जब सोफी ने जो है डेनी केजी को देखी, टू बीट द गोल यानी कि गोल करते हुए, ठीक है ना, टू बीट द गोल, बीट द गोल, बीट का मतलब होता है हराना, मतलब कि बीट द गोल कीपर यानी कि गोल कीपर को हराते हुए, एंड मेड अ गोल, और गोल लेते हुए, जब सोफी ने जो है डेनी केजी को देखा, ठीक है, टू बीट द गोल कीपर यानी कि गोल कीपर को हराते हुए, एंड मेड अ गोल, और गोल लेते हुए, गोल करते हुए, सी बिकेम वेरी हैप्पी, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ओके, सी बिकेम वेरी हैप्पी, बिकेम, बिकम का मतलब होता है होना, तो सी बिकेम मतलब कि हो गई, सी बिकेम का मतलब होता है वह हो गई, क्या हो गई, तो सी बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, एंड फेल्ट प्राउड टू हर कंट्री, और अपने कंट्री के प्रति जो है बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है, बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, फेल्ट प्राउड टू हर कंट्री एंड टू हर हीरो डेनी केजी, गॉट इट। फोर्थ क्वेश्चन की ओर देखते हैं फ्रेंड, फोर्थ क्वेश्चन की ओर देखते हैं फ्रेंड, वट वर द ऑप्शन दैट सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ। यहां पे बोला जा रहा है कि सोफी के पास जो है वो क्या क्या ऑप्शन थे, मतलब क्या क्या वो ड्रीम जो है ना वो देखा करती थी, वो देख रही है वो। ओके, वाई डज झांसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। और फिर बोला जा रहा है कि झांसी जो कि उसकी फ्रेंड है, क्लासमेट है, ओके, तो बोलता है कि वाई डज झांसी जो है डिस्करेज हर, उसको डिस्करेज क्यों करती है, उसको निरुत्साहित क्यों करती है, उसको क्यों पीछे खींचती है, मतलब कि इस चीज को करने से क्यों रोकती है, मतलब कि। ओके, हमने लिख दिया है यहाँ पे, डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, रोकने की कोशिश करना या रोकना, यानी कि वाई डज झांसी डिस्करेज हर, झांसी जो उसकी फ्रेंड है वो क्यों रोकती है फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, यानी कि सोफी जो तरह तरह का ड्रीम जो देख रही थी, तो उस ड्रीम को देखने से जो है उसकी फ्रेंड झांसी जो है वो क्यों रोकती है, क्यों मना करती है। ओके, हमने यहां पे लिख दिया है फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स का मतलब होता है इस प्रकार के सपने देखने से, फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स का मतलब होता है इस प्रकार के सपने देखने से, गॉट इट। आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, सोफी एंड झांसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड। देखिए, आप जब स्टार्ट कीजिएगा किसी आंसर को लिखने के लिए, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा। ओके, तो सोफी एंड झांसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बोथ बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, दोनों जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, बट हैव डिफरेंट आउटलुक्स टू देयर लाइफ, लेकिन, बट हैव, लेकिन है क्या, डिफरेंट आउटलुक्स है, आउटलुक्स का मतलब होता है नजरिया, आउटलुक्स का मतलब होता है नजरिया। चलिए, हमने यहां पे लिखा नहीं है, लिख देते हैं नजरिया, ठीक है, तो बट हैव डिफरेंट आउटलुक्स मतलब कि डिफरेंट आउटलुक्स है टू देयर लाइफ, मतलब कि जीवन को देखने का अपना अपना जो है अलग अलग नजरिया है। ओके, सोफी वाज अ फैंटेसी गर्ल, सोफी क्या है, एक फैंटेसी गर्ल है, फैंटेसी मतलब वही होता है कल्पना में खोए रहना, ठीक है, तो सोफी वाज अ फैंटेसी गर्ल, सो इसलिए सी इज लॉस्ट इन हर ड्रीम वर्ल्ड, चूंकि सोफी जो है वो फैंटेसी गर्ल है, कल्पना में खोई रहती है, इसलिए जो है वो खो जाती है इन हर ड्रीम वर्ल्ड, अपने सपने की दुनिया में जो है वो खोई रहती है। ओके, सी वांटेड टू ओपन अ बुटीक, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जो है वांटेड टू ओपन, वो ओपन करना चाहती है, क्या ओपन करना चाहती है, एक बुटीक ओपन करना चाहती है, बुटीक का मतलब होता है फैशनेबल क्लोथ शॉप यानी कि कपड़े की दुकान, ओके, इन द सिटी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी वांटेड टू ओपन अ बुटीक, यानी कि सोफी जो है एक कपड़े की दुकान जो है फैशनेबल कपड़े की दुकान खोलना चाहती है, बट वेन झांसी सेज, लेकिन जब उसकी फ्रेंड झांसी जो है वो कहती है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी,
जब झांसी उसकी फ्रेंड है वो कहती है कि इट रिक्वायर्स, रिक्वायर्स का मतलब होता है जरूरत होना, ओके, या जरूरत पड़ना। तो इसमें बहुत सारा पैसा जो है वो जरूरत होता है, यानी कि कपड़े की दुकान खोलने के लिए जो है, ठीक है, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ओके। तो वही बोल रहा है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, देन सोफी अनाउंसेस, तब जाकर के सोफी जो है वो अनाउंस करती है, यानी कि वो घोषणा करती है, वो बताती है क्या, टू बी अ मैनेजर। तब क्या बोलती है कि ठीक है तो फिर मैनेजर बन जाएंगे हम, ठीक है, जब मुझे बुटीक को खोलने के लिए पैसे की जरूरत होती है तो ऐसा करते हैं कि मैनेजर बन जाएंगे, जब मैनेजर बन जाएंगे तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा, गॉट इट। तो वही बोला जा रहा है यहां पे कि देन सोफी अनाउंसेस टू बी अ मैनेजर, एंड इफ सी इज नॉट एबल टू बिकम अ मैनेजर, देखिए इसके बाद भी वो क्या बोल रहे हैं कि और यदि सी इज नॉट एबल टू बिकम अ मैनेजर, यदि वो मैनेजर भी यदि नहीं बन पाती है, सी एक्सप्रेसेस हर डिजायर टू बिकम एन एक्ट्रेस, तब जाकर के यदि बोलती है कि मैनेजर भी यदि हम ना बन पाए तो वो क्या बतलाती है, वो क्या कहती है, ठीक है, वो कहती है हर डिजायर, उसकी इच्छा क्या होती है, टू बिकम एन एक्ट्रेस, यानी कि वो एक्ट्रेस बन जाएगी, वो एक अभिनेत्री बन जाएगी, ओके, हीरोइन बन जाएगी वो। सी थिंक्स ऑफ बिकमिंग अ फैशन डिजाइनर, देखो यहाँ, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सी थिंक्स ऑफ बिकमिंग, मतलब कि वो सोचती है होने के लिए, क्या होने के लिए, अ फैशन डिजाइनर ऑल्सो, यानी कि वो फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती है, ओके। बट झांसी हु बिलीव्स इन रियलिटी, लेकिन उसकी फ्रेंड जो झांसी जो है, चूंकि वो रियलिटी में विश्वास करती थी, वो वास्तविकता में विश्वास करती थी, उसको पता होता है कि ये क्या लाइफ है, मतलब कि उसका लाइफ कैसा है, हु बिलीव्स इन रियलिटी ऑलवेज डिस्करेजेस हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, ठीक है। लेकिन उसकी फ्रेंड जो थी, जो कि रियलिटी में विश्वास करती थी, वो हमेशा ना उसको क्या करती थी, डिस्करेज करती थी, ओके, डिस्करेज करती थी किस चीज के लिए, तो फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, यानी कि ये सब सारे जो है सपने देखने से उसको रोकती थी, मना करती थी, बोलती थी कि तुम इस प्रकार का सपने देखना बंद कर दो, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तो वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, ओके। एंड फाइनली सेज, और तब जाकर के जो है आपका झांसी जो है वो बोलती है कि दैट बोथ आर डेस्टाइन, कि दोनों जो है डेस्टाइन किए गए हैं, मतलब कि दोनों जो है वो हमें, दोनों का जो है किस्मत में लिखा हुआ है, ठीक है, कि टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, कि दोनों जो है मतलब स्कूल के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि बिस्कुट फैक्ट्री में जाकर के काम करेंगे, क्योंकि यही जो है हमारी किस्मत में जो है वो लिखा हुआ है। तो आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। देखिए बोला जा रहा है कि सोफी एंड झांसी वर क्लासमेट्स, दैट वी ऑलरेडी नो कि सोफी और झांसी जो है वो क्लासमेट थी, एंड फ्रेंड्स व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, बोलता है कि उन लोगों के बीच में जो है क्या डिफरेंसेस थे, ओके, उनके बीच में जो है क्या भिन्नता थी, दैट शोज अप इन द स्टोरी, जो कि स्टोरी में दिखाया गया है, ओके, यानी कि दोनों के बीच में जो है डिफरेंसेस को बताना है आपको, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ओके। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। सोफी एंड झांसी आर क्लासमेट, वो दोनों तो क्लासमेट हैं एंड फ्रेंड्स हैं, दे बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, और वो लोग दोनों जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। बोथ वर टीनेजर्स, दोनों जो है वो टीनेजर्स हैं। इवन इफ बोथ वर क्लासमेट्स, बोलता है कि भले ही, इवन इफ का मतलब होता है भले ही दोनों जो है क्लासमेट हैं, ओके, एक साथ पढ़ती हैं, बट दे हैड डिफरेंट आउटलुक्स टू देयर लाइफ्स, लेकिन दोनों का जो है वो मतलब जीवन को देखने का अपना अपना एक नजरिया है। सोफी वाज अ ड्रीमी गर्ल, सोफी जो है एक स्वप्नशील लड़की है, यानी कि सपने देखने वाली लड़की है। सी इज लॉस्ट इन हर ड्रीम वर्ल्ड, और वो जो है खोई रहती है इन हर ड्रीम वर्ल्ड, यानी कि अपने सपनों की दुनिया में जो है वो खोई रहती है। सी कैप्ट ड्रीमिंग ऑफ मेनी थिंग्स, और वो जो है यानी सोफी जो है वो हमेशा जो है सपने देखते रहती है कई चीजों के बारे में, ऑफ मेनी थिंग्स। सी वॉन्टेड टू ओपन अ बुटीक, वो जो है क्या करना चाहती है, बुटीक खोलना चाहती है, मतलब फैशनेबल शॉप की दुकान खोलना चाहती है इन द सिटी, सिटी में मतलब कि। सी थिंक्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस, और वो जो है मतलब एक्ट्रेस भी बनना चाहती है, गॉट इट, सी थिंग्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस एज देयर आर लॉट्स ऑफ मनी इन दिस प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय। तो वो एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती है, वो बोलती है कि एज देयर आर लॉट्स ऑफ मनी इन
दिस प्रोफेशन, यानी कि इस प्रोफेशन में जो है बहुत सारा पैसा है। एंड एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम, और एक्ट्रेस को जो है फुल टाइम काम नहीं करना पड़ता है। देखिए, यदि आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई डज सोफी वांट टू बी एन एक्ट्रेस, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। वो आंसर क्या होगा, तो देखिए बोलती है कि बोलता है कि एज देयर आर लॉट्स ऑफ मनी इन दिस प्रोफेशन, बहुत सारा पैसा है, एंड एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम, गॉट इट। तो कहने का मतलब है फ्रेंड कि इस आंसर में आपको कई तरह का क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। ओके, तो आप इस सब चीज को भी जो है नोटिस किया कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। सी वॉन्टेड टू बी अ फैशन डिजाइनर, वो फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती है, एंड मैनेजर टू, और मैनेजर भी बनना चाहती है, गॉट इट। बट ऑल दीज ड्रीम्स, लेकिन ये सारा ड्रीम जो भी वो देखती है, ओके, बट ऑल दीज ड्रीम्स, ये सारा ड्रीम, ओके, आर बियॉन्ड हर रीच एंड रिसोर्सेस। क्या बोला जा रहा है, लेकिन जो वो सारा ड्रीम जो देखती है, जो भी ड्रीम वो देख रही है, वो क्या बोलता है, आर बियॉन्ड, यानी कि परे है, यानी कि से ऊपर है, किससे ऊपर है, यानी कि उसके पहुंच और साधन से परे है, यानी कि वो उस तक पहुंच ही नहीं सकती है, क्योंकि वो जो है काफी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, उसका बैकग्राउंड जो है काफी पुअर है, गॉट इट, और संसाधन भी नहीं है उसका ये सब चीज बनने का। ओके, सी थिंक्स ऑफ डैनी केजी, वो डैनी केजी के बारे में भी सोचती है, हु वाज अ फेमस फुटबॉल प्लेयर, वो कौन है, तो फेमस फुटबॉल प्लेयर है। सी वांट्स हिम टू बी हर हीरो, और वो क्या चाहती है, वो उसे अपना हीरो होना चाहती है, ठीक है ना, हीरो बनाना चाहती है। झांसी एडवाइसेस हर, झांसी जो कि उसकी फ्रेंड है, झांसी जो है एडवाइसेस हर, उसको एडवाइस करती है, उसको सलाह देती है, किसे, सोफी को, टू बी सेंसिबल, झांसी बोलती है कि समझदार हो जाओ, ठीक है, सेंसिबल हो जाओ, बट रिमेन्स अ रोमांटिक ड्रीमर, लेकिन क्या होता है कि वो रोमांटिक ड्रीमर ही बन जाती है, मतलब कि वो सिर्फ सपने में खोई रहती है, गॉट इट। वाइल, जबकि वाइल झांसी वाज अ प्रैक्टिकल गर्ल, ओके, जबकि झांसी क्या है, एक प्रैक्टिकल गर्ल है, प्रैक्टिकल, पी आर ए सी टी आई सी ए एल, प्रैक्टिकल गर्ल, प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक, ठीक है, जबकि जो है वाइल झांसी वाज अ प्रैक्टिकल गर्ल, वो एक व्यवहारिक लड़की है, कौन, झांसी, ओके, सी बिलीव्ड इन रियलिटी, और वो वास्तविकता में विश्वास करती है, एंड वॉन्टेड टू लिव इन द प्रेजेंट, और फिर वो प्रेजेंट में जीना चाहती है, ओके, सी न्यू बोथ वर डेस्टाइन, उसे पता है, किसे, झांसी को, झांसी जो है जानती थी कि बोथ वर डेस्टाइन, कि दोनों जो है, दोनों का मतलब कि भाग्य में यही लिखा हुआ है, टू वर्क इन अ बिस्कुट फैक्ट्री, यानी कि बिस्किट फैक्ट्री में काम करना ही लिखा है, आफ्टर स्कूल, यानी कि जब स्कूल खत्म हो जाएगा तो हम लोग के दोनों के भाग्य में जो है वो बिस्कुट फैक्ट्री में काम करना ही लिखा हुआ है। सी विस्ट सोफी वुड नॉट ड्रीम सो मच, और वो चाहती है, यानी कि झांसी जो है वो चाहती है कि सोफी जो है ज्यादा ड्रीम जो है वो ना देखे, एंड बी प्रैक्टिकल, और जो है वो व्यवहारिक बन जाए, ओके, दज वी सी दैट, और इस प्रकार, दज का मतलब होता है इस प्रकार, दज वी सी दैट, और इस प्रकार हम देखते हैं कि झांसी वाज अ प्रैक्टिकल गर्ल, ठीक है, झांसी जो है एक प्रैक्टिकल गर्ल है, एक व्यवहारिक लड़की है, वाइल सोफी वाज अ फैंटेसी गर्ल, जबकि ये सोफी क्या है, एक फैंटेसी गर्ल है, मतलब कल्पनाशील लड़की है, यानी कि सपने देखते रहती है, हु ऑलवेज मेक्स अ कैसल इन द एयर, जो हमेशा क्या करती है कि हवा में जो है वो महल बनाने का काम करती है, कौन, तो सोफी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, ठीक है, इसको आप बार बार देखने की कोशिश करिए, ठीक है, सिर्फ आपको नोटबुक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसको सुनिए, देखिए, बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ओके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बार बार देखने की कोशिश कीजिए, और आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। मैंने पिछले क्लास में भी जो है, पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराया हुआ है, तो यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।